नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर और आज हम जोगिंदर नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो जोगिंदर नगर के लोकल सिटीजन है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत क्या करना चाहते हैं, आगामी चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, और जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हिमाचल में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, लोग इसी को अपना आशीर्वाद देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। जिंदगी में देखो दो पार्टी है अभी, तो अब तीसरा भी अब एंटर हो गई है, मतलब उसका भी चला हुआ है आजकल। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो भी थोड़ा सा करेगी। आप विकल्प देख रहे हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी की विकल्प हो सकती है तीसरा? बिल्कुल बिल्कुल विकल्प हो सकती है तीसरा भी। पर क्या कुछ कमियां हैं जिससे आपको लगता है कि वो एक विकल्प अच्छा साबित हो सकती है आने वाले टाइम में? तो लोगों को जैसे कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बोल रहे हैं, महंगाई का जैसे चला हुआ है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बेरोजगारी, आपने कहा महंगाई आपने बताया, यहाँ पे स्वरोजगार के कितने ज़्यादा संभावनाएं हैं और किस तरह से देखते हैं जोगिंदर नगर में और पूरे हिमाचल में? हम बात करेंगे बेसिकली जोगिंदर नगर की, क्योंकि अभी हम जोगिंदर नगर विधानसभा में हैं और यदि आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से किन कारणों से आप प्रभावित हुए और आप ये कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी जैसे कि लोगों को बोल रही है कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। आप इसके पक्ष में? मतलब पक्ष में है कुछ, एक पक्ष में कुछ भी, चलो कुछ है कुछ नहीं भी है। अभी कुछ बिजनेसमैन जो जोगिंदर नगर के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद। अभी हम जो एक सर्वे टाइप आप कह सकते हैं कर रहे हैं कि हिमाचल में आगामी जो चुनाव आ रहे हैं 2022 के विधानसभा इलेक्शन होंगे, हिमाचल में वैसे देखा जा रहा है कि दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही आज तक अपना प्रभाव दिखाती रही हैं, इस बार के इलेक्शनों में क्या लगता है आपको? नहीं, पीछे से हम देखें तो अभी तक जो है कांग्रेस और बीजेपी ही मतलब अपनी सरकारें बना रही है, बट आने वाले टाइम पे एक तीसरी पार्टी भी एंटर हुई है जिसे आम आदमी पार्टी बोलते हैं, जो उसका भी अभी हमने पंजाब में भी रुझान देखा, भी बहुत अच्छा रहा। और हमें जो है हिमाचल में ऐसे शिक्षित मतलब पॉलिटिक्स चाहिए जो हम जो जैसे काम करें, और जो भी बेरोजगारी सबसे मेन ये है कि बेरोजगारी जैसे कोई भी अभी तक कोई भी टेस्ट जो है नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कोई कि किसी में स्टे लग रहा है, किसी में कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि वो मतलब फुलफिल हुई है। हाँ, तो ये है कि जो भी मतलब सरकार आए वो मतलब खासकर बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करें, और जो भी मतलब अलग अलग कार्य हैं वो भी मतलब प्रगति में चलते रहें। जी, आपने कहा कि हमें पढ़ा लिखा एक अपना जो नुमाइंदा है वो चुनना है, तो क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं या जो बीजेपी है कांग्रेस है यहाँ पे सिर्फ कोई विकल्प आगे उभर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में ही कोई पढ़ा लिखा है। इवन हम कांग्रेस में देखें, कांग्रेस में भी बड़े एजुकेटेड पर्सन है, बीजेपी में देखें तो बीजेपी में भी बहुत एजुकेटेड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में ही कोई एजुकेटेड पर्सन आ रहा है। आपने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा जनता के लिए है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर नीतीश कुमार। नीतीश जी, एक सर्वे हम कर रहे हैं छोटा सा कि हिमाचल में हर बार की तरह इस बार भी 2022 के जो इलेक्शन हैं विधानसभा के वो आने वाले हैं, यहाँ पे दो पार्टियाँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दो पार्टियाँ जो है वो लोग जनता उन्हीं को आशीर्वाद देती है अपना, बीजेपी और कांग्रेस। आपको क्या लगता है, क्या कोई तीसरी पार्टी विकल्प हो सकती है हिमाचल में इस बार? सर मेरे इरादे से तो जो दो पार्टियां हैं जैसे कि नेशनलाइज्ड पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो हम तो मतलब नेशनलाइज्ड पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिमाचल में वैसा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो हम तो बीजेपी समर्थक हैं, तो नेचुरली बात है कि हम चाहेंगे बीजेपी आए। तो तीसरी पार्टी का तो कोई मतलब वो मोटिव लेके आएगा नहीं हिमाचल में, वो तो पैर जमाने आएगा, ठीक है जी, उसका कोई मोटिव नहीं होगा, वो तो ठगबाजी होगी। जैसे आप हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की बात कर सकते हैं जो चाहती है कि हिमाचल में आए। अब आप पंजाब का हालचाल देख सकते हैं, वादे तो कई किए, आज पंजाब के लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने गलती कर दी आप सरकार को ला के। तो नेशनलाइज पार्टी जो है वो हम चाहते हैं कि कोई भी बने, कांग्रेस बने बीजेपी बने, जिसमें काम हो सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जो बीजेपी आप कह रहे हैं कि पार्टी आए, क्योंकि बीजेपी पार्टी तो अभी सत्ता में है, और कुछ काम हो रहे हैं लोगों के?
हाँ हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। हम तो, हमारे जो विधायक थे वो तो आज़ाद थे, उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम किए। कुछ वायदे थे जो नहीं कर सके, तो समय लगता है उन वायदों को करने के लिए, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू जी। मैं बिहारीलाल ठाकुर, ठाकुर भोजनालय से जी। सर ये बताएं कि अभी 2022 का आगामी जो चुनाव है वो आने वाले हैं, चुनाव की सरगर्मियाँ जो हैं बढ़ चुकी हैं, जिस तरह से देखा जाए तो हिमाचल में आज तक दो पार्टियां ही जो लोगों पे शासन करती आई हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्या इस बार के इलेक्शन में तीसरी पार्टी कोई विकल्प हो सकती है हिमाचल के लिए? तीसरी पार्टी विकल्प हो सकती है जी। तो क्या सारे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी कमियां आपको लग रही होंगी कि बीजेपी की सरकार है, कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हुए और लोगों को लग रहा है कि ये तीसरी पार्टी हमारे लिए अच्छा विकल्प है? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है जी, बाकी तीसरी पार्टी कंपटीशन देगी। तो जैसे आपने कहा कि तीसरी पार्टी आ सकती है, फिर भी कुछ मुद्दे यहाँ से हो जोगिंद्रनगर के, आपके यहाँ के कोई मुद्दे हो, इस तरह से भी कोई काम आप चाहते हो जो नहीं हुआ? ऐसे कोई मुद्दे तो मेरे ध्यान में है। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, अभी हिमाचल में जो 2022 के इलेक्शन है वो आने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव की सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है हिमाचल में अभी जो, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिर्फ हिमाचल में दो पार्टियों को ये आशीर्वाद मिला जनता का, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी जो नेशनल पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कोई तीसरी पार्टी भी विकल्प हो सकती है हिमाचल में? अभी तो बहुत मुश्किल है जी, सिर्फ बीजेपी का ही है, बीजेपी का यहाँ पर ज़्यादा है। क्या कुछ काम है जो अच्छे काम है जो बीजेपी के आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे? सब कुछ बीजेपी कर रही है। क्या नाम है सर आपका? फकीर चंद। फकीर जी एक चीज़ बताएं, हिमाचल में अभी 2022 के इलेक्शन है वो आने वाले हैं, हिमाचल में जो हम कहें चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, आज से पहले और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हिमाचल में सिर्फ दो पार्टियों को ही जनता आशीर्वाद देती है अपना, जो कि बीजेपी और कांग्रेस है, आपको क्या लगता है कि हिमाचल में कोई तीसरी पार्टी भी विकल्प हो सकती है? ज़रूर हो सकती है। कौन सी पार्टी आप ऐसे विकल्प देखते हैं? देखिए सर, जो अच्छा हमारे लिए, जो जनता के लिए अच्छा काम करेगी, अभी आने वाला टाइम, जैसे कांग्रेस और बीजेपी तो जैसे आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं जी, काफ़ी राज किया उन्होंने हिमाचल में भी जी, तो यहाँ के जोगिंद्रनगर के साथ देखें तो बीजेपी ने काफ़ी राज किया है, कांग्रेस ने काफ़ी राज किया है, तो इनसे हम काफ़ी मतलब अभी यहाँ के माहौल से काफ़ी दुखी हैं जी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ ऐसा किया नहीं है। अगर कोई तीसरी पार्टी भी आती है तो उनको हम सपोर्ट करेंगे जी। आपने कहा कि ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, जो आने वाली सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या काम यहाँ पे नहीं हुआ जो होने चाहिए थे? सर देखिए ना, यहाँ पर अगर हम अपने सर्कल की बात करते हैं जी, तो यहाँ पर हम बहुत ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं जी, हर चीज़ में जी। तो हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी यहाँ उम्मीदवार जो भी है यहाँ पर जी, जो भी कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे जी, वो जनता की भलाई के लिए काम करें, एजुकेशन से रिलेटेड काम करें, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जी। अगर कोई नई सरकार भी आती है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड हमारे लिए जैसे जनता के लिए काम करती है जैसे, तो उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी ये बताएं कि हिमाचल में अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं 2022 के, तो 2022 के जैसे चुनाव होने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हिमाचल में सिर्फ दो ही पार्टियों को जनता अपना आशीर्वाद देती है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ जी, ये तो पब्लिक के हाथ में बात है, दो को देगी या तीन को देगी या चार को देगी, बिल्कुल वो हमारे हाथ में तो है नहीं है। राजनीतिक तो हर एक बोलेगा भी मेरी पार्टी चलेगी, दूसरा बोलेगा मेरी चलेगी, बिल्कुल। ये आपको क्या लगता है कि हिमाचल में कोई तीसरी पार्टी अगला विकल्प हो सकती है इस बार के चुनाव? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे सुखराम की पहले पार्टी आई थी जी, उसने सरकार बदल दी थी जी, हो सकता है इस बार ये भी बदल दे। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल में जो जनता है वो सिर्फ दो पार्टियों को ही अपना आशीर्वाद आज तक देती आई है। 2022 के इलेक्शन है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि कोई तीसरी पार्टी हिमाचल में एक विकल्प हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरी पार्टी हिमाचल में सरकार बनाएगी या ज़्यादा सीटें जीत पाएगी, इन दो पार्टी में से कोई पार्टी आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई तीसरी पार्टी नहीं आ पाएगी?
तीसरी पार्टी आने का सबसे बड़ा है कोई हिमाचल में इतना जनाधार तो है नहीं आम आदमी पार्टी का, और दूसरी बात यह है कि अभी इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं जिसके दम पर वो वोट खींच सके। आप मुख्यमंत्री का चेहरा कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री मान लो या वैसे एमएलए का चेहरे भी देखे तो ऐसे कोई बड़े खास चेहरे नहीं आए हैं जो पब्लिक से पहले जुड़े हों या उन्होंने कोई इतने बड़ी उपलब्धि उनके पास हो जिनको देख के जनता वोट दे। जी, आपको क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस का अगर कहीं टक्कर होगी तो क्या इस बार का परिणाम रहेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी आएगी जी, क्योंकि जो सरकार है वो भी ठीक काम करे और आने वाली सरकार भी अच्छा ही काम करेगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कौन सी पार्टी आएगी। लेकिन एक बात है, अगर कोई कैंडिडेट अगर अच्छा काम करता है तो जनता ये भी कहती है कि उसे पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो कैंडिडेट है जो काम करने वाला हुआ तो। बिल्कुल सही है, कैंडिडेट तो अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि उसी के पीछे सारे सारे लोग खड़े होते हैं और वो अच्छा काम करता है तो दोबारा रिपीट भी कर सकता है और उसके आगे भी उसको मौका मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, आप क्या करते हैं? सर मैं कॉलेज के अभी सेकेंड ईयर के पेपर मेरे समाप्त हुए हैं और आने वाले टाइम में थर्ड ईयर में होऊंगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, फिर तो आप कोई ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी क्योंकि अभी 2022 के जो इलेक्शन है वो आने वाले हैं, 2022 के चुनाव जो हैं आने वाले हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं क्योंकि हिमाचल में दो पार्टियाँ आज तक रन करती आई हैं, बीजेपी कांग्रेस, इस बार क्या कोई तीसरी पार्टी हिमाचल के लिए एक अहम रोल निभा पाएगी? सर तीसरी पार्टी तो आप भूल ही जाओ, एक तो हिमाचल में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है स्टार्टिंग से, आम आदमी पार्टी तो आप भूल ही जाओ। पंजाब में देखो आम आदमी आए क्या हुआ, सरेआम बसें लूटी गई, सरेआम खालिस्तान के नारे लगाए गए, तो हिमाचल वाले तो इतने बेवकूफ़ है नहीं कि आप उन इतने सब कुछ देख के तीसरी पार्टी का विकल्प रखेंगे हिमाचल में।